महारानी एलिजाबेथ का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान दुनिया भर के अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रतिनिधि उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने लंदन पहुंचे हैं। बता दें कि महारानी के अंतिम दर्शन करने के लिए रविवार को लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी थी। तो वहीं महारानी के अंतिम संस्कार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी लंदन पहुंची हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में महारानी एलिजाबेथ टू को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिनों के ब्रिटेन दौरे पर हैं। मोहाली एमएमएस कांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने शिमला के रोहड़ू से तो वहीं उसके दोस्त को ढली से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मामले में पुलिस ने आरोपी छात्रा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपत्तिजनक वीडियो का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। गुस्साए छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ रात भर उग्र प्रदर्शन किया। इसके अलावा छात्र छात्राओं ने हॉस्टल से बाहर निकलकर यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन करना शुरू किया। इसके अलावा यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने 7 दिन की छुट्टी का ऐलान किया। वहीं इस पूरे मामले पर छात्राओं ने रात भर प्रदर्शन करने के बाद अब धरना खत्म कर दिया है। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से छात्राओं को मामले की सही जांच करने का आश्वासन दिया गया। चंडीगढ़ में कई छात्राओं के वायरल वीडियो मामले पर आधिकारिक तौर पर पुलिस का बयान सामने आया है। पुलिस का कहना है कि मामले में केवल आरोपी छात्रा ने अपना वीडियो ही बनाया था। इसके अलावा किसी भी छात्र ने खुदकुशी करने की कोशिश नहीं की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी छात्र और उसके शिमला के साथी सनी पर आईपीसी की धारा 354C और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने छात्रा को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मोहाली के निजी विश्वविद्यालय की कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया था कि एक छात्रा ने हॉस्टल में रहने वाली कई छात्राओं के नहाते हुए वीडियो बनाए और अपने दोस्त के साथ शेयर किया था, जिसके बाद अब मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। वहीं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एमएमएस कांड के बाद यूनिवर्सिटी की लड़कियां गुस्से में हैं। छात्राओं का कहना है कि वो हॉस्टल में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। इसके साथ ही छात्राओं ने हॉस्टल प्रशासन पर मामले को दबाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों 11 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर हैं। इस दौरान विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा समेत कई बहुपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि एस जयशंकर जो बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। दरअसल एस जयशंकर G4 समूह की एक मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करेंगे, जिसमें भारत के अलावा ब्राजील, जापान और जर्मनी देश शामिल हैं। भारत जोड़ो यात्रा के 11वें दिन केरल के हरिपाद से यात्रा शुरू हुई। इस यात्रा में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। बता दें, यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि बेरोजगारी की बेड़ियां तोड़ने के हताश आवाजों के एकजुट करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है। बिहार में महागठबंधन सरकार बनाने के बाद केंद्र के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने को लेकर नीतीश कुमार लगातार कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली दौरे के बाद से नीतीश कुमार को लेकर लगातार नए नए कयास लगाए जा रहे हैं। अब चर्चा हो रही है कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज बीजेपी में शामिल होंगे। खबरों की माने तो अमरिंदर सिंह अपनी पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी का भी बीजेपी में विलय करेंगे। इसके साथ ही कैप्टन के साथ उनके करीबी पंजाब के 5 से 6 पूर्व मंत्री भी बीजेपी की सदस्यता लेंगे। अमानतुल्ला मामले में एसीबी से बदसलूकी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इन लोगों को आप विधायक अमानतुल्ला की गिरफ्तारी के वक्त धक्का मुक्की करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले दिल्ली एसीबी ने अमानतुल्ला के घर और उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें कई अवैध चीजें बरामद हुई थी। इस दौरान अमानतुल्ला के ठिकानों से लाखों रुपए और जिंदा कारतूस के साथ बिना लाइसेंस के हथियार भी बरामद हुआ था, जिसके तहत विधायक की गिरफ्तारी हुई।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पार्टी ने राघव चड्ढा को गुजरात का सह प्रभारी नियुक्त किया है। बता दें, इससे पहले राघव चड्ढा पंजाब विधानसभा चुनाव में भी अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं। दिल्ली और पंजाब के बाद अब उन्हें गुजरात की भी जिम्मेदारी मिल चुकी है। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में रविवार को आम आदमी पार्टी का पहला राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में दिल्ली, पंजाब, गुजरात समेत देश भर के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने एक तरफ जहां गुजरात में सरकार बनाने का दावा किया, वहीं केंद्र सरकार और बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। इसके अलावा केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उनकी पार्टी के मंत्रियों और नेताओं को भ्रष्टाचार के झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी आपकी बढ़ती लोकप्रियता को पचा नहीं पा रही है। इसके अलावा सीएम ने आगे ये भी कहा कि अब जल्द ही दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के यहाँ भी छापेमारी होने वाली है। केजरीवाल ने आगे कहा कि जनता को आपकी ईमानदारी, राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य पसंद आ रही है, इसलिए दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार बनी और अब गुजरात में भी बनेगी। यूपी के देवरिया में दो मंजिला मकान के गिरने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते ये हादसा हुआ। ताइवान में रविवार को एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल 7.2 मापी गई है। वहीं भूकंप के बाद जापान में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। भूकंप के झटकों से ताइवान में कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं, ब्रिज गिर गए हैं, ट्रेनें पटरियों से उतर गई हैं और यूली में एक स्टोर गिरने से उसमें चार लोग दब गए हैं। वहीं ब्रिज टूटने की वजह से कई गाड़ियां ब्रिज के नीचे गिर गई। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। तीनों भूकंप पूरे ताइवान में महसूस किए गए। राजधानी ताइपे में इमारतें थोड़ी देर झूलती रही, कुछ इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। ताइवान और काओसंग इलाके में भूकंप का ज्यादा असर नहीं रहा। ताइवान में पिछले 24 घंटे में तीन बार भयानक भूकंप के झटके आ चुके हैं। भूकंप को देखते हुए जापान ने सुनामी का अलर्ट जारी किया है। बदायूं रेप और मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 24 घंटे बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं परिजनों ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। दरअसल बदायूं के फैजगंज बहेटा में एक दलित नाबालिग लड़की का शव रेलवे स्टेशन के पीछे मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं मृतक के परिजनों ने नाबालिग का रेप कर उसकी हत्या किए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, परिजनों ने स्थानीय पुलिस चौकी स्टाफ पर भी मिलीभगत और लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि चौकी वालों ने ही उनकी बेटी को मारा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर गहनता से जांच की जा रही है। झारखंड के हजारीबाग शनिवार को एक बस अनियंत्रित होकर पुल से करीब 30 फीट नीचे नदी में गिर गई। इस हादसे में 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि बस में 50 से ज्यादा लोग सवार थे। वहीं झारखंड में हुए इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव होता दिखाई दे रहा है। वहीं भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग के मुताबिक एक तरफ जहां आज बादल छाए रहेंगे, वहीं कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री तो वहीं न्यूनतम 24 डिग्री तक रह सकता है। इसके अलावा दिल्ली में कल से पूरे हफ्ते बारिश होने की संभावना बनी हुई है, साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को सिरसा दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने अरोड़ वंश सेवा सदन का शिलान्यास किया। बता दें कि इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल समेत सिरसा के सांसद और विधायक मौजूद रहे।
इस दौरान सीएम ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही प्रशासन को जल्द से जल्द समस्याओं का निपटारा करने के निर्देश दिए। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा के दो दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम सिरसा के अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने रविवार को बल्लभगढ़ के एम्स अस्पताल में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने लोगों से बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने की अपील की। बीजेपी को आदमपुर उपचुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। साल 2014 में बीजेपी के टिकट पर आदमपुर से प्रत्याशी रहे कर्ण सिंह रानोलिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कर्ण सिंह रानोलिया ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली। सोनाली फोगाट मर्डर केस में सीबीआई टीम गोवा में डेरा डाले हुई है। दौरान टीम गोवा में कर्लीज क्लब लियोनी रिजॉर्ट में जांच पड़ताल करती नजर आ रही है। सीबीआई के साथ फॉरेंसिक टीम मौजूद है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मीडिया वेलबींग एसोसिएशन हरियाणा रजिस्टर्ड की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम के माध्यम से अनिल विज ने पत्रकारों के लिए बनाई गई 10 लाख प्रति पत्रकार दुर्घटना बीमा पॉलिसी पत्रकारों को समर्पित करेंगे। गुरुग्राम में अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर लंबे समय से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन अब अहीर समाज ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। वही प्रदर्शन परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव के नेतृत्व में 23 सितंबर को किया जाएगा। हरियाणा के खिलाड़ी सुनैना और आरजू को नेपाल अंतर्राष्ट्रीय टाई कमांडो चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका मिला है। दोनों के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेलने को लेकर गांव में खुशी का माहौल है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कई अधिकारियों की फटकार लगाई, साथ ही समय पर दफ्तर न आने पहुंचने वालों को सख्त लहजे में चेताया है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए आईएएस और 50 एचसीएस के तबादले किए हैं। करनाल सेक्टर 12 के बैंक में रुपए जमा कराने आए एक व्यक्ति ने 80,000 रुपए ठगने का मामला सामने आया है, जिसका पूरा वीडियो पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। कुरुक्षेत्र के गांव खानपुर कोलिया के पास ट्रक और ट्रॉली में भिड़ंत से एक बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर 25 लोग एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। तो वहीं आरोपी युवक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने बल्लभगढ़ इलाके में 3 राशन डिपो पर छापेमारी की है। इस दौरान टीम को तीनों डिपो से कुल 192 क्विंटल अनाज गायब मिला। फिलहाल टीम ने पूरे मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। नारनौल में सीआईए की टीम ने अवैध हथियार बनाने और बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 16 अवैध हथियार और 247 जिंदा कारतूस बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में पुलिस अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने गिरफ्तार सभी आरोपियों के पास से अब तक 95 अवैध हथियार, 312 जिंदा कारतूस और भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। हांसी व्यापार मंडल के प्रधान पर हमला करने वाले 7 लोगों को हांसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गुरुवार रात को 5 युवकों ने हांसी व्यापार मंडल के प्रधान प्रवीण तायल पर जानलेवा हमला किया था। गुरुग्राम से झज्जर आ रही एक निजी बस ने एक बाइक सवार को कुचल दिया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। सोनीपत में सीएम फ्लाइंग की टीम ने पटाखे बेचने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही टीम ने युवक के पास से भारी मात्रा में बैन पटाखों को भी बरामद किया है। वहीं अब पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है।
कुरुक्षेत्र के पिहोवा में बदमाशों ने भरे बाजार में लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल पिहोवा बस स्टैंड और पुलिस थाने के सामने कार सवार लुटेरे ने जनरल स्टोर संचालक की चैन छीन कर भागने में सफलता हासिल की, जिसका पूरा वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद रिश्तेदारों को टारगेट करने वाला और उनको धमकाकर पैसे ऐंठने वाला आरोपी राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के नाम से डरा धमकाकर अपने रिश्तेदारों से लाखों रुपए की वसूली कर रहा था। पानीपत के समालखा में बाइक से हुड़दंग करने पर मना करने पर होमगार्ड की पिटाई का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित होमगार्ड की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नारनौल में इनेलो के प्रदेश उपाध्यक्ष राव होशियार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि चौधरी देवीलाल की 109वीं जयंती पर फतेहाबाद जिले में रैली होगी। राव होशियार ने बोला कि 25 सितंबर को फतेहाबाद में होने वाली रैली में लाखों की भीड़ पहुंचेगी, जो अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी। बहादुरगढ़ के एम्स बाड़सा में भर्ती कैंसर के एक मरीज ने 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मामले में बाड़सा पुलिस की टीम कार्रवाई में जुट गई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीएम जयराम ठाकुर रविवार को मंडी दौरे पर रहे। दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी में कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया, साथ ही मंडी को करोड़ों की सौगात दी। कांग्रेस के वीरभद्र मॉडल पर सीएम जयराम ठाकुर ने निशाना साधते हुए कहा कि वीरभद्र मॉडल कर्ज लेकर सरकारी पैसों पर आनंद से सरकार चलाने का था और बेरोजगारों की लंबी फौज इस मॉडल के दौरान खड़ी हुई है। सीएम ने कहा कि प्रदेश की जनता ने 5 साल पहले ही कांग्रेस का ये मॉडल उखाड़ फेंका है। सीएम का ये भी कहना है कि विपक्ष का ये मॉडल बेरोजगारी बढ़ाने और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में ही व्यस्त रहा। इसके अलावा सीएम ने कांग्रेसी नेताओं को बीजेपी के तंबू में आने का भी न्योता दिया। बीजेपी नेता और कुश्ती खिलाड़ी बबीता फोगाट रविवार को शिमला दौरे पर रही। शिमला पहुंचकर उन्होंने सीएम जयराम ठाकुर की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इसी के साथ ही फोगाट ने सीएम की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार हिमाचल वासियों के लिए बेहतरीन काम कर रही है। हमीरपुर संसदीय इलाके की 17 विधानसभा में प्रचार प्रसार के लिए जाने वाले रथों को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप, पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने गांधी चौक पर ही हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार प्रसार वाले रथ आने वाले दिनों में 17 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे, केंद्र और प्रदेश की नीतियों के विकास कार्यों की जानकारी मुहैया करवाएंगे। नाहन में बीजेपी महिला मोर्चा के सम्मेलन में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत पहुंची। इस दौरान उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं उन्होंने पंजाब सरकार से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। ऊना के महतपुर में एक सामुदायिक भवन में अनुसूचित जाति सम्मेलन का आयोजन हुआ। बता दें कि ये सम्मेलन पीएम मोदी के हिमाचल दौरे के पहले किया गया है। इस सम्मेलन में पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप और सतपाल सिंह सत्ती ने शिरकत की। वहीं दोनों ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि हर वर्ग के लिए लागू की गई लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाएंगे। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसी के साथ वहां पॉजिटिविटी रेट भी मात्र 2 से 4% रह गई है। वहीं मुख्य चिकित्सक अधिकारी का कहना है कि ये कमी स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों और जागरूकता अभियान के कारण ही संभव हो पाया है। ज्वालामुखी में पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ स्मार्ट तरीका निकाला है, जिसमें ओवर स्पीड, ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट के ट्रेवल करने वालों के खिलाफ ITMS के जरिए चालान काटेगा, जो चालक को ऑनलाइन या घर पहुंचाया जाएगा। किन्नौर में देर रात तक लोडर अनियंत्रित होकर सतलुज नदी में 50 मीटर नीचे जा गिरा। इस हादसे में मौके पर एक की मौत हो गई, जिसमें ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लोडर को बाहर निकाला।
ईरान में हिजाब का मामला गरमाता जा रहा है। दरअसल हिजाब ना पहनने पर हिरासत में ली गई महिला की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों में भारी रोष है। वहीं लोगों ने सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि महिलाओं ने अब अपने देश में ड्रेस कोड के कानून के खिलाफ जंग छेड़ दी है और न्याय की मांग को लगातार बुलंद कर रही है। इटली में नए प्रधानमंत्री के लिए हो रहे चुनाव में ब्रदर्स ऑफ इटली के नेता जॉर्जिया मेलोनी ने अपने राष्ट्रवादी एजेंडे की वजह से विरोधियों से भारी बढ़त बना ली है। यदि जॉर्जिया मेलोनी चुनाव जीतती हैं तो वो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी। अरबपति गौतम अडानी लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम्स बिलियनेयर्स लिस्ट के मुताबिक गौतम अडानी रैंकिंग में बस एलन मस्क से पीछे हैं। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन से दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू आज एक बार फिर पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि जैकलीन सुबह करीब 11:30 पर पूछताछ के लिए ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंचेगी। बता दें इससे पहले अभिनेत्री जैकलीन से बुधवार को करीब 8 घंटे पूछताछ की गई थी। खबरों के मुताबिक पुलिस ने उनसे 50 से ज्यादा सवाल पूछे थे, लेकिन कुछ सवालों के जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दंगल गर्ल फातिमा सना शेख बहुत जल्द पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रोल में नजर आने वाली हैं। आपको बता दें कि विकी कौशल के साथ आने वाली उनकी अपकमिंग फिल्म सैम बहादुर में वो इंदिरा गांधी का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इसकी जानकारी फातिमा ने खुद सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके दी है। आपको बता दें कि फातिमा दंगल जैसी फिल्म के नाम से जानी जाती हैं। बॉलीवुड एक्टर और सैफ अली खान और ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म विक्रम वेधा काफी लंबे समय से चर्चाओं में बनी हुई है, तो वहीं अब हाल ही में विक्रम वेधा का नया गाना अलकोहलिया रिलीज किया गया है। वहीं रिलीज के सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर अलकोहलिया गाना YouTube पर ट्रेंड कर रहा है और इसी के साथ ही इस गाने ने 24 घंटे के अंदर ही करोड़ों की संख्या में व्यूज हासिल कर लिए हैं। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म ड्रीम गर्ल 2 के अगले साल ईद तक रिलीज होने की घोषणा की है। आपको बता दें कि ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान के साथ अनन्या पांडे की जोड़ी देखने को मिलने वाली है। अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म थैंक गॉड का हाल ही में ट्रेलर रिलीज किया गया था, लेकिन ट्रेलर के कुछ दिन बाद ही सिद्धार्थ मल्होत्रा और अजय देवगन की ये फिल्म विवादों से घिरती नजर आ रही है और फिल्म को बैन होने की मांग शुरू हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि कुवैत सेंसर बोर्ड ने थैंक गॉड फिल्म को देश में बैन कर दिया है। उत्तर प्रदेश के वकील ने फिल्म पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी, जिसके चलते कुवैत सेंसर बोर्ड ने फिल्म को बैन करने का फैसला सुनाया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म चक दी एक्सप्रेस की शूटिंग लंदन से कर रही हैं, तो वहीं विराट कोहली भी इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाली T20 सीरीज में बिजी हैं। इसके चलते वो अपने पति विराट कोहली को मिस कर रही हैं। फिल्म चक दी एक्सप्रेस में अनुष्का एक क्रिकेटर की भूमिका में नजर आएंगी। दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा को अपना दबंग बॉयफ्रेंड मिल गया है। काफी लंबे समय से सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल के साथ में होने की खबरें सुनने को मिलती है, तो वहीं अब इस बात पर बॉलीवुड एक्टर वरुण शर्मा ने मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर वरुण शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल के साथ में फोटो शेयर की है, तो वहीं फोटो के साथ कैप्शन में लिखा है, ओए होए क्या ब्लॉकबस्टर जोड़ी है। हालांकि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों ने ही अक्सर कई जगह एक साथ स्पॉट किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक दोनों ने आधिकारिक तौर पर रिलेशन में होने की पुष्टि नहीं की है।
प्रभास और कृति सेनन की अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष को लेकर चर्चाएं बनी हुई है। दोनों पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। वहीं आदि पुरुष में प्रभास राम का और कृति सेनन सीता की भूमिका में नजर आएंगी। बता दें कि आदि पुरुष का बजट लगभग 500 करोड़ रुपए का है। ऑस्ट्रेलिया में अगले महीने T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। वहीं इस वर्ल्ड के पहले भारतीय टीम की नई जर्सी जारी कर दी गई है। टीम की ये जर्सी नीले रंग की है जिसमें 3 स्टार बने हुए हैं। बता दें कि जर्सी की तस्वीर सामने आने के बाद ये बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टीम इंडिया के इस नई जर्सी में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा पोज देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मुकाबलों की सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। पिछले हफ्ते घोषित वर्ल्ड कप टीम में मोहम्मद शमी को स्टैंड बाय पर रखा गया था। कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडलिस्ट और इंडिया के स्टार रेसलर बजरंग पुनिया अमेरिका के जॉन डाइको मिहालिस से क्वार्टर फाइनल का मैच 0-10 से हार गए हैं। बता दें कि चोटिल होने के बावजूद बजरंग पुनिया ने यह मैच खेलने का फैसला किया था। यूएई ने ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले 2022 T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। अब तक 13 टीमें T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए अपनी अपनी टीमों का ऐलान कर चुकी है। हालांकि अभी तक 3 देशों ने ICC की तय समय सीमा तक अपनी टीम का ऐलान नहीं किया है। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत पाकिस्तान समेत 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट में 8 टीमें सीधे क्वालिफाई कर चुकी हैं, जबकि बाकी 8 टीम क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगी, जिसके बाद फिर से 4 टीमें सुपर 4 में शामिल होंगी।